पीवीटी जी क्या है और पर्यावास अधिकार अधिनियम के तहत किन जनजातियों को भारत सरकार ने घोषित किया है, एससी एसटी को पट्टे देने की व्यवस्था की हुई है तो पट्टा किन जनजातियों को दिया जाता है, और पीवीटीजी में कितने समुदाय को 2024 के अनुसार लिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं, बात आई यहाँ पर पर्यावास अधिकार अधिनियम। तो 1950 से लेकर के हम लोग अभी तक की यदि बात करते हैं समुदाय को लेकर के, तो आप जानते हैं कि चार प्रकार के समुदाय हैं। जनरल वाले व्यक्ति कहाँ पर है, शहरों में निवास कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मण पंडित लोग, काम क्या है उनका, पूजा पाठ करना। ओबीसी के लोग काम क्या है, ओबीसी का काम है खेती बाड़ी करना, किसानी करना। एससी एसटी लोग कहाँ पर है, एससी एसटी के लोग जंगलों में निवास कर रहे थे, कंदमूल फल खा रहे थे और छाल वगैरह जो है उसके कपड़े पहनते थे। ये व्यवस्था एससी एसटी के लोगों के लिए थी। लेकिन संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद में क्या कहानी बनी, कहानी ये बनी कि भैया ओबीसी और जनरल के व्यक्ति तो आगे बढ़ रहे हैं, एससी एसटी के व्यक्ति जंगल में निवास कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाए। सरकार ने एससी एसटी के लोगों को कहा कि भैया तुम भी आओ, खेती बाड़ी करो और अपनी सुख समृद्धि जीवन जियो, बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, खेती जो है अनाज का प्रोडक्शन करो। तो कुछ जनजाति जंगल से निकल के खेत में आ गई, लेकिन कुछ जंगल में बच गई। सही मारा है। तो 1950 में भारत देश की सरकार ने एससी और एसटी को कहा था कि आप जंगल से निकल के शहर की ओर आओ, खेती बाड़ी करो, बिजनेस करो, पशुपालन करो और अपनी व्यवस्था करो। लेकिन 1950 में कुछ जनजाति जंगल में रह गई, बात नहीं मानी, बाकी आ गई शहर की ओर, गांव की ओर और जो है किसान की ओर आ गई। अब 1950 से लेकर के 2006 तक हमने देखा कि जो जनजाति जंगल से निकल के शहर की ओर आ चुकी है, गांव में आ गई है, वो खेती किसानी कर रही है, वो आगे बढ़ने लगी है, और जो जनजाति 1950 से पहले जंगल में निवास कर रही थी वह जनजाति अभी पिछड़ी है। तो ऐसी जनजाति जो 1950 से पहले जंगल में थी और अभी जंगल में है, तो उनके लिए भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम है पीवीटीजी। इसमें कितने कितने ग्रुप हैं, तो भारत देश के 18 राज्यों के 75 ग्रुप हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, वन में रहने वाली वल्नरेबल, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली पर्टिकुलर उन जनजातियों का समूह जो 1950 से पहले भी जंगल में निवास कर रही थी, शहर की ओर नहीं आई हुई है, खेती बाड़ी नहीं कर रही है, उनका समूह को हमने पीवीटीजी नाम दिया। इनके स्टडी के लिए और थोड़ा हम डिटेल में पहुंचते हैं, 1973 की कहानी देखो। 1973 में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था यूएन डेवर, यदि आपको नाम याद होगा तो। यूएन डेवर, डेवर ने क्या कहा था, इसने कहा था यूएन डेवर ने भारत सरकार को कि यदि आप चाहते हैं कि एससी एसटी के लोग, जंगल में निवास करने वाले लोग, कंदमूल फल खाने वाले लोग, छाल के कपड़े पहनने वाले लोग का विकास हो, तो आप जंगल का आरक्षण कर दो एससी एसटी के लिए। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2006 में एक एक्ट बनाया गया, इस एक्ट का नाम है पर्यावास अधिकार अधिनियम 2006। और 2006 में हमने पीवीटीजी का निर्माण किया और इसके तहत हमने उन जनजातियों को, समूह को जोड़ दिया जो जनजाति जंगलों में निवास कर रही थी, उनका विकास की बात आई है। समझ आ गई ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब क्या है पीवीटीजी क्या है, तो 1950 से लेकर 2006 के बीच में रहने वाली जनजाति जंगल में निवास करती है, शहर की ओर नहीं आई है, इन जनजातियों के समूह को हम कहते हैं पीवीटीजी। पर्टिकुलरली वो जनजाति जो जंगल में निवास कर रही है, तो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कोई दिक्कत, समझ में आई कि नहीं। अच्छा, 2024 में क्या हुआ, 2024 में इस समूह के अंतर्गत कुछ जनजातियों को और शामिल किया गया है। तो कौन से कौन जनजाति है उनमें शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश की जनजाति है, वो भी यहाँ मध्य प्रदेश, ये है मंडला जिला, मंडला में रहती है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति के 21 समुदाय, और यहां पर है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में है पतालकोट, और पतालकोट की भारिया जनजाति, भारी जनजाति के 12 समुदाय को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया है। यानी अब ये कि मंडला जिले की बैगा जनजाति के 21 समुदाय को
भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट की जमीन दी जाएगी, पट्टा वाली भूमि दी जाएगी, उनको व्यवस्था करेंगे, दो टाइम के भोजन की व्यवस्था इनके लिए करेंगे, एक के समुदाय के लिए, और पतालकोट में रहने वाली, जंगल में रहने वाली, गड्ढे में रहने वाली जनजाति जो पतालकोट की भारिया के नाम से फेमस है, यह भारिया के 12 समुदाय को इसमें शामिल कर लिया गया है, हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है, और ये जनजाति को अब जो है भारत सरकार के द्वारा PBTG के माध्यम से विशेष दर्जा देकर के इनके लिए पट्टे की व्यवस्था की जा रही है। तो क्वेश्चन ये था कि पर्यावास अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 में हुआ है, इसके अंतर्गत PBTG को शामिल किया गया है, इसमें 75 ग्रुप है, और 2024 में अब पतालकोट की भारिया और मध्य जो है मध्य प्रदेश के मंडला जिले की बैगा के 21 और 12 समुदाय को इसमें शामिल कर लिया गया है। सर नायक ने बताओ।